गर्मी के दिनों के लिए मैं खास ये पुदीना का दो तरह का चटनी बना करके आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पूजा फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट ये मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो हम पहला चटनी देख लेते हैं। इसके लिए हम फ्रेश पुदीना का जो पत्ता होता है ना, वो साफ़ करके रख लिए हैं। और यहाँ पर हम ले लिए हैं दोस्तों एक टमाटर और थोड़ा सा जीरा और सूखी लाल मिर्च दो और दो हरी मिर्च और अदरक। सबसे पहले क्या पीसेंगे, तो टमाटर को हम यहीं पर रफली काट लेते हैं। आप जितना छोटा मोटा जैसे काटना है आप काट सकते हैं। सभी को एक साथ नहीं पीसें, नहीं तो क्या होगा ना कि चटनी जो है उतना अच्छा पिसा करके रेडी नहीं होगा। तो मैं टमाटर को काट ली हूँ और यहीं पर मैं हरी मिर्च भी काट लेती हूँ और यहीं पर मैं सूखी मिर्च भी तोड़ कर डाल देती हूँ। कभी आप ऐसा बनाकर ज़रूर दोस्तों ट्राई करिएगा। और यहीं पर मैं थोड़ा सा अदरक भी डाल देती हूँ। लहसुन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ दोस्तों कि गर्मी के दिन में लहसुन से ना जल्दी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जीरा वगैरह डाल के इसको मैं पीस लेती हूँ। ज़्यादा में ही नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फ्रेश पत्तियाँ तोड़ कर रखी थी ना पुदीना का, वो डाल करके हम पीस लेंगे। और यहाँ नमक भी डाल लेती हूँ, मोटा ही पीसेंगे। और पानी डालकर अब इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हुआ है पिसा करके। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको दाल चावल रोटी के साथ, कोई भी सब्जी के साथ इस चटनी को लेकर खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि इसको आप में ही नहीं पीसिए। हम इसी तरह हम दूसरा चटनी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दी पुदीना की पत्ती और यहीं पर मैं डाल देती हूँ अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पर मैं मिर्चा भी काट के डाल देती हूँ। अपने मिर्चा अपने हिसाब से काटिए क्योंकि अभी गर्मी का दिन है, तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों। और अभी आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों, आम इजीली मार्केट में आसानी से मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा हम आम भी इसमें कटिंग करके डाल देते हैं। अगर आप आम नहीं है आपके पास तो इसके जगह पर आप दही भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब यहीं पर हम नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा। बस इसको हम पीस लेते हैं। इसको बहुत में ही पीसना है, इसको मोटा नहीं पीसना है दोस्तों, क्योंकि ये वाला चटनी जो है ना, जितना आप में ही पीसिएगा उतना ही अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं दो तरह का आपके साथ में चटनी शेयर कर रही हूँ और दोनों खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी दाल चावल हो या रोटी सब्जी बना हो और थोड़ा सा चटनी मिल जाता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। और पुदीना जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है इस गर्मी के दिन में, तो खास करके इसलिए इस गर्मी में पुदीना का चटनी हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों दोनों ये मैं पुदीना का चटनी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।